जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। विषय है तत्काल एक दिन में वशीकरण प्रयोग। ये प्रयोग बहुत आसान है, बहुत सहज। आप लोग अपने घर में ये प्रयोग को अप्लाई कर सकते हैं, बिना कोई साइड इफेक्ट के ये प्रयोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करना है आगे अपने वीडियो में संपूर्ण प्रोसेस रहेगा, मंत्र रहेगा वीडियो के नीचे विवरण बॉक्स पर। आज का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए। चलिए मैं आज का कंटेंट शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये जो अनुष्ठान है इसको चेटी का मंत्र भी बोला जाता है। ये महाकालिका का एक चेटी का मंत्र है। तो ये मंत्र प्रयोग आप लोगों को नवमी के दिन, कोई भी पक्ष का नवमी तिथि हो तो नवमी के दिन आप लोग ये मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। ये मंत्र का अनुष्ठान त्रेहस्पर्श बोलकर एक जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पंडित है, जो भी अगर वीडियो को ही देखते हैं तो जानते हैं त्रेहस्पर्श किस दिन को बोला जाता है। त्रेहस्पर्श जो जिस दिन होता है उस दिन इस प्रयोग को अप्लाई कर सकते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, इस सबको तो हर्ष कोई भी प्रयोग अप्लाई हो सकता है। विशेष बोलकर ये नवमी और त्रेहस्पर्श, ये दो दिन विशेष दिन है। ये दो दिन में ये प्रयोग को अप्लाई किया जा सकता है। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये भी चलेगा। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग को करने के लिए आप लोग को एक मिट्टी का नया एक छोटा सा ऐसा पात्र चाहिए। आप लोग को गाय का पैकेट वाला दूध नहीं चलेगा, गाय का ही कच्चा दूध होना जरूरी है। एक फ्रेश भोज पत्र लेके आइए। फ्रेश भोज पत्र में आप लोग सिंदूर को अच्छा घी में घोल कर चमेली का या अनार के कलम से नीचे दिए हुए मंत्र का लेख लिखे भोज पत्र पर। भोज्य पत्र में लिखने के समय अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम बिठाए। भोज्य पत्र लिखना हो गया, मिट्टी के पात्र के ऊपर भोज्य पत्र को स्थापन करें, धूप और दीप दिखाए, माँ महाकाली के नाम से कुछ भोग सामग्री सामने रखें, जो भी आपके मन में इच्छा हो धूप दीप सामने दिखाए, माता से प्रार्थना करें, माँ मेरा अमुक मनोकामना है। अभी जो मंत्र को आप लोग लिखे उसी मंत्र को उसी स्थान पर बैठ कर आप लोगों को 1008 बार जाप करना है। बस एक ही दिन, एक ही दिन 1008 बार मंत्र का आप लोग जाप करना है। अभी जब जाप आप लोग कर रहे हैं तो धूप और दीप कॉन्टिन्यूसली आपके सामने जलना चाहिए। अभी अनुष्ठान 1008 का अनुष्ठान जब आप लोगों का संपन्न हो गया, अभी उस पात्र के ऊपर जो मिट्टी का पात्र उसमें कच्चे दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध उसके ऊपर डाल दीजिए। हो गया ये पार्ट। अभी नेक्स्ट दिन ये प्रयोग आप लोग नाइट में करें या सुबह को करें, आप लोगों का जैसा आपका इच्छा है उस हिसाब से करें। अभी नेक्स्ट दिन फिर से रात को आप लोगों को माता के उस यंत्र को माँ का प्रतिरूप मानकर यंत्र के सामने धूप और दीप दिखाइए और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध फिर से डाल दीजिए। हो गया दूसरा दिन। तीसरे दिन आप लोगों को दूध डालने का कोई जरूरत नहीं है। तीसरे दिन आप लोग उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए, कोई भी जल, आपके घर में जो भी जल इस्तेमाल होता है पीने के लिए वो जल आप लोग डाल दीजिए। अभी उसको पात्र को रख दीजिए। नेक्स्ट दिन उस पात्र को कोई भी नदी हो, बहता हुआ पानी हो, कुआ हो, कोई भी जगह पे प्रभावित कोई जगह पर आप लोग उसको छोड़ दीजिए। ये है अनुष्ठान। एक ही दिन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांतिपूर्ण अनुष्ठान है। माता चेटिका मंत्र, महाकालिका का चेटिका मंत्र को देखिए। जो भी मंत्र, जो भी प्रयोग मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ, ये प्रयोग आप लोगों को सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलेगा। बाकी चैनल पे जो भी प्रयोग मिलता है आप लोगों को पता है वो कैसा होता है। ऑथेंटिक प्रयोग है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। मेरे व्यूवर्स थोड़ा मेहनत देकर अनुष्ठान को करें, आगे ईश्वर का इच्छा है। मेरा कर्म है आप लोगों को रास्ता दिखाना। आप लोग अपने मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना है कि नहीं, ये आप लोग का अपना अपना इच्छा है। आज का कॉन्टेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता आपसे एक नए वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तत्सत।